Diríamos cual vino, andiamo, guardiamo come sei una città di vino, una bella città, anche bello pulito. Fa tanti ristoranti, albergo, così tutti. Anche questa parte c'è un grande lago. Guarda che bello grande lago. Viver, आज हम आपको सैर करा रहे हैं इटली के शहर लवीनो की। ये वो शहर है जो आधा स्विट्ज़रलैंड में है और आधा इधर इटली में है। तो इसकी जो झील है ये इतनी बड़ी है कि मेरे घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर से दूर है। तो वहाँ से लेके अभी इधर में तकरीबन 70 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इधर अभी तक मौजूद है। तो इससे आगे भी थोड़ा हिस्सा है, तो उधर मैं देर हो गई या नहीं जा सकता हूँ क्योंकि साथ बच्चे हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपको दिखाऊंगा। आप ये लवीनो शहर है और बहुत प्यारा शहर है, और देखें कितना साफ़ सुथरा शहर है। ये इसकी स्टॉल बुक है, जो बुक्स वगैरह बेचते हैं या टिकट वगैरह बेचते हैं उनका, ये हर शहर के अंदर होता है। और आए आपको शहर का थोड़ा सा इधर से अंदर सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊँ। जो इटली में अखबार बेचते हैं ना, वो हर शहर के अंदर इस तरह का एक बना होता है, जैसे वो केबन नमा, तो हर शहर के अंदर ये होता है। तो उसके ऊपर ये जर्नलें मिलती हैं, यानी अखबारें मिलती हैं। ये देखें किताब, बुक्स और न्यूज़पेपर, और बच्चों की थोड़ी बहुत ही चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा आए तो वो भी वापस जाए, कुछ ना कुछ ले कर जाए। तो इस तरह, तो इस तरह तरफ जो है, इस तरफ जो सी पोर्ट है और उसके बाद जो है पूरी वो डैम ही डैम है। तो इस तरफ शहर है, मैंने दूसरी वीडियो में आप दिखाया है डैम का हिस्सा, तो अब सोचा आपको थोड़ा सा शहर का हिस्सा भी दिखा दूं। देखें कितना प्यारा बना हुआ है और कितने रेस्टोरेंट हैं। देखें ये इटालियन की बड़ी प्यारी आदत है कि हर वीकेंड के बाद ये बाहर ही खाना खाते हैं, बाकी खाए ना खाएँ। और इस तरफ भी और देखें गार्डन बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है यूरोप में आबो हवा का इतना निज़ाम है, कोई घर ऐसा है ही नहीं है जिसमें क्रॉस हवा ना हो। बहुत प्यारे घर बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग के घर भी हों ना। आप देखें कि बिल्डिंग के घर कितने होते हैं, एक एक बिल्डिंग में 50-50 घर होता है, लेकिन वो भी हवादार होते हैं, उनमें भी सिस्टम ऐसा होता है कि हवा को क्रॉस करता है। इस तरह सारे रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये, तो इस वजह से रेस्टोरेंट भी ज़्यादा हैं, होटल भी ज़्यादा हैं। और भी पर इधर इस तरफ कमर्शियल एरिया है, ये भी आपको साथ साथ थोड़े थोड़े भी दिखा रहे हैं। ये सब कमर्शियल एरिया है, क्योंकि बिजनेस प्लेस है ना और टूरिस्ट प्लेस है, तो आपको पता है टूरिस्ट प्लेस के ऊपर तो हर किस्म का बंदा आता है, तो फिर वो गिफ्ट भी खरीदते हैं। कुछ शहर के में भी हो, देखिए हर तरफ होटल रेस्टोरेंट ये वो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और भी बार इधर मेरे बच्चों को झूले नज़र आ गए, तो वो कहते हैं झूलों पर जाना है, तो चलो आए देखते हैं। ये गार्डन है, तो ये देखें कितना प्यारा गार्डन है। माशाल्लाह किस तरह इन्होंने इसको डिसिप्लिन से किया। ये देखें ये स्टूल है, ये बेंच है, स्टूल ही क्या नहीं, स्टूल ये है। और ये देखें इसको किस अंदाज में बनाया गया है, ताकि जगह भी कवर ना हो और वो बेंच भी बन जाए। लेकिन बहुत फॉलो करते हैं ये डिज़ाइन को और कानून को, जो सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। यकीन करें किसी कंपनी में भी ना, या वैसे कोई नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लिख देना ये इसको ऐसे करना है, तो सवाल नहीं पैदा होता है कि उसको सब लोग फॉलो ना करें।
बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपने कानून की। और भी पर देखें कितने प्यारे प्लांट भी लगाए इन्होंने। ये देखा आपको जो लोहे का फ्रेम बना हुआ है, इसके साथ सीनरी लगाते हैं। अगर कोई वो जिससे नहीं होती है कोई क्या कहते हैं उसको, कोई फिल्म दिखाते हैं इटली की या कोई थिएटर वाले दिखाते हैं फिल्म, तो वो इसके ऊपर अपनी स्क्रीन लगा के ना तो फिर वो दिखाते हैं। बहुत प्यारे अंदाज से पार्क को बनाया गया। और ये देखें ये किस तरह काला सा बना हुआ है, जैसे सीढ़ी सी बनी हुई है। ये भी जिमनास्टिक के लिए भी वैसे करते हैं, जब बच्चे होते हैं ना वो एक तरह से ऊंची नीची जगहों के ऊपर चढ़ते हैं खेलते हैं, तो उनकी फिजिलिटी के लिए ताकि वो भी खुश हो जाए। और जिस आदमी को कोई पॉपुलर आदमी होता है ना तो उसका उस पार्क में आगे पीछे शहर के चौराहों पे, ऐसे हमारे मुल्क में भी लगे हैं, तो ये उसके मुजस्मे भी लगाते हैं। ये देखें व्यूअर ये कितना पुराना दरख्त होगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं इसका। ये देखें साहब ही नहीं है कि उसके बेचारे के बाल ही निकले हैं सारे, है खजूर का दरख्त है ये सारे खजूर के दरख्त हैं। और बहुत प्यारा ये देखें इसके साथ खजूरें लगी भी हैं, ये देखें इसके साथ खजूरें लगी हैं, एक नज़र आ रही हैं आपको, बहुत प्यारा है। ज़बरदस्त गार्डन भी ज़बरदस्त बनाते हैं हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त बहुत प्यारे प्यारे गार्डन हैं। ये टेबल लगे हैं किसी, मेरा ख्याल बाहर वाले ने लगाए हैं कि आप यहाँ बैठ के आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं। ये भी पर इस तो चेप्यासा दिलवीन वर दो को मैं बैलो चीता दिलवीन आंके को मैं टूरिस्ट उस पर इस तो उन बैलो पोस्त पर जिरा रे आंके पर वकानसा जीरो कौन फमीलिया और तो बैलो पोस्त। थोड़े जी वो आपको इधर से दिखाता हूँ फिर वापस आपको इसी चौक में लेके आता हूँ। तो बार तो देते रहे उन्हें ग्राम देखे ऐसा पीवर। आप जब हमारी वीडियो देखा करें प्लीज़ फ़ोन को इस तरह लटा के देखा करें, जैसे इसको कहते हैं लम्हा करके, तो फिर इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी नज़र आएगी। और अगर कोई इंसान है कोई कमी पेशी रह जाती है तो इंशाल्लाह आप हमें कमेंट किया करें ताकि हम इससे कोई बेहतर वीडियो बना सकें, ताकि आपको मज़ा आए और आप हमारे साथ इसी तरह घूमते फिरते रहें। और थोड़े से भी आपको इधर से दिखाते हैं ये जिधर से मैं आया हूँ। और ये देखें कितने प्यारे फूल लगे, ये तो मेरे फेवरेट हैं, इनको तो मैं मिस ही नहीं करता हूँ। ये देखें ये देखें इसके ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए हुए हैं, ये बंदेरा भी है, इटली का झंडा भी है। और ये जैसे वो रबड़ प्लांट का दरख्त है, ये देखिए ये रबड़ प्लांट का दरख्त है और बहुत बड़ा दरख्त है। और इसके सामने ये देखिए ये होटल कितना प्यारा बना हुआ है।
ये भी बार देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त पुराने वक्तों की तरह का इन्होंने नलका बनाया हुआ है। और ये इसकी बैक साइड है, देखा भी बार कितना साफ़ सुथरा शहर है। आपको इटली का हर शहर इसी तरह खूबसूरत और साफ़ सुथरा ही मिलेगा। इटली का क्या, यूरोप में तकरीबन इसी तरह खूबसूरती है, सफाई है, और हर चीज़ को जो है ना वो क्या कहते हैं, एक लेवल, एक ऑर्डर के, एक सिस्टम, एक डिज़ाइन के तहत बनाया गया है। ऐसे नहीं कि जिधर किसी का दिल आया इधर कर दो, किसी का दिल आया तो उधर कर दो, नहीं। और व्यूअर मज़े की आपको बात यह बताएं कि यहाँ जो एग्रीकल्चर एरिया होता है ना उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये देखें ये लोग अपने एग्रीकल्चर को किस तरह सेव करते हैं। हमारे तो किसी को बस वो क्या कहते हैं, ज़मींदारी करने का शौक़ नहीं है तो उसने क्या करना है कि चलो भाई ज़मीन बेचो या कोई यहाँ जो है ना शेड बना दो या कुछ और कर दो। ये नहीं, यहाँ जो है ना एग्रीकल्चर ज़मीन में आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं। ये भी है। मैं आपको इधर से भी ये दिखा रहा हूँ, नीस है, अरे इधर इस तरह ये ले, ये देखें लाइट कितने डिजाइन की बनाई हुई है। तो चलें व्यूअर, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर किसी वक्त किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के ऊपर। आप हमारी वीडियो को देखें और एंजॉय करें, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलें इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, खुदा हाफ़िज़।